नमस्कार दर्शकों, इस समय आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज और इस समय आपके साथ मैं हूं दिव्या अठवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारतीय क्रिकेट के यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को हाल ही में सीने में दर्द हुआ है, जिसके बाद में उनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जहां पर उनको अचानक से सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद में उनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि उनके जो हार्ट में ब्लॉकेज के चलते एंजियोप्लास्टी हुई है, और वहीं डॉक्टरों के मुताबिक यानी कि डॉक्टरों से जो जानकारी भी मिली है तो वो ये बताया जा रहा है कि अभी वे खतरों से बाहर है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम यानी कि पूर्व कप्तान की कपिल देव की जो उम्र है वो अभी 61 वर्ष है, यानी कि वो 61 साल के हो चुके हैं, और अचानक से उनके सीने में दर्द हुआ जिसके बाद में उनको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो ये थी इस वक्त की सबसे बड़ी वो ब्रेकिंग खबर जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को अचानक से हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद में उनका जो उपचार है वो दिल्ली के हॉस्पिटल में चल रहा है।